हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निहारिका। सो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं ब्लू हेवन की पाउडर मैट लिपस्टिक्स। वेल, ये लिपस्टिक्स आती हैं सिर्फ 150 रुपीज़ में, और मेरे पास यहां पे हैं इसके 5 शेड्स। वेल, ये कुछ इस टाइप की दिखती है, आप देख सकते हैं। ये है 3.5 ग्राम और इसका प्राइस है 150 रुपीज़। ये मेड इन इंडिया है। जो भी शेड है वो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। वेल, पैकेजिंग में कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं दिए हुए हैं। जब आप ओपन करेंगे तो ये कुछ इस टाइप की ब्लैक कलर में है, आप देख सकते हैं। जब भी आपको ये न्यू लिपस्टिक मिलेगी, यहाँ पे ऑब्वियसली एक सील होगा जिसे आपको ब्रेक करना होगा। इससे आप पता कर सकते हैं कि आपकी लिपस्टिक यूज्ड आपको मिली है या फिर एकदम फ्रेश पीस मिला है। अंदर से ये कुछ इस टाइप की है। वेल, टोटल इस लिपस्टिक में आते हैं 24 शेड और मेरे पास यहाँ पे हैं इसके कुछ 5 शेड्स। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ये कौन से शेड्स हैं। अगर मैं इन लिपस्टिक के पॉजिटिव और नेगेटिव्स के बारे में बात करूं, तो सबसे पहली चीज़ कि ये लिपस्टिक बहुत ज़्यादा लाइट है, अल्ट्रा लाइट वेट है। जब आप अप्लाई करते हैं आपको बिल्कुल भी हैवीनेस फील नहीं होती है। ये आपके लिप्स को ड्राई नहीं करती हैं। जब आप अप्लाई कर लेते हैं तो ऐसा कुछ भी आपको अनकम्फर्टेबल फील नहीं होता, काफ़ी कम्फर्टेबल रहती हैं आपके लिप्स पर। अगर इस लिपस्टिक के नेगेटिव्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र होती है। जब भी आप कुछ खाते हैं, पीते हैं या इवन अपने लिप्स को आपने गलती से टच कर लिया, तब भी ये लिपस्टिक ट्रांसफ़र होती रहती है। ये आपकी मील्स को सर्वाइव नहीं कर पाती है। तो आप अगर इसको अप्लाई करके कुछ खाएँगे तो ऑब्वियसली ये हट जाती है। इसका लॉन्ग लास्टिंग मोस्टली 3 to 4 आवर्स आप कह सकते हो। ये लिपस्टिक आपको वन स्वाइप पिगमेंटेशन नहीं देती हैं, आपको इनको बार बार लेयर अप करना पड़ता है फुल पिगमेंटेशन पाने के लिए। जब आप इन्हें अप्लाई कर लेते हैं तब ये बिल्कुल भी आपके लिप्स को ड्राई नहीं करती हैं। पर हाँ, अप्लाई करते वक्त थोड़ा सा आपको टगिंग पुलिंग वाला करना पड़ता है, थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है, स्मूथली अप्लाई नहीं होती हैं आपके लिप्स पर। ये लिपस्टिक आपकी पाउडर मैट फिनिश में सेट होती है, तो अगर आपके लिप्स पे थोड़ी सी भी चैपीनेस है तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा दिखेगी। तो बेटर होगा कि आप अपने लिप्स को अच्छे से एक्सफोलिएट करें, कोई भी ड्राइनेस या जो आपकी डेड स्किन है वो आपके लिप्स पे ना रहे, तो ज़्यादा बेटर होगा। ये लिपस्टिक आपकी स्मज प्रूफ नहीं है। मैंने इस लिपस्टिक को जब भी अप्लाई किया, मुझे लगा कि थोड़ी देर बाद ऑब्वियसली ये रिमूव हो जाती है, इतना लॉन्ग आज तक स्टे नहीं करती है, पर हाँ, हल्का सा टेंट आपके लिप्स पे ज़रूर छोड़ती है। सो फाइनली, अगर इन लिपस्टिक के बारे में बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, बहुत ही बजट में है, कोई भी बाय कर सकता है। सो अगर आप कोई लिपस्टिक ढूंढना जो कि आप डेली बेसिस पे वेयर कर सकते हैं,
नॉर्मली एवरी डे अपने घर पे, तो उस हिसाब से ये लिपस्टिक्स काफ़ी अच्छी हैं। सो गाइज, दिस वॉज अ वीडियो, आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो ज़रूर इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।